हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे आप सभी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर बेस्ड स्ट्रेटजी की, और इसमें कहाँ पे हमें पोजीशन लेनी चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ क्या होनी चाहिए, और किन किन बातों का मेन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारे बातों का विशेष रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा है आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, स्ट्रेटजी पसंद है, या यूं कहें कि हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं सेशन पे सीधे डायरेक्टली हम। तो ये निफ्टी फ्यूचर सेप्टेम्बर का हमने यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे कैंडल को मतलब कैंडल चार्ट को ओपन कर लिया है। अब आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे यहाँ पे एंट्री करनी है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये जो टोटली जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्रेटजी वो टोटली जो है वो गैन लेवल पे बेस्ड है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हम कहाँ पे बाई सेल कहाँ पे एग्जिट करेंगे, प्रॉपर पोजिशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा गैन कैल्सी जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं पोजीशन लेता हूं। अभी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, सबको अप्लाई कर लेते हैं, बट विशेष रूप से ये बहुत ही ज्यादा मतलब इसकी जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हमें कहां पे बाय या सेल करनी है। तो यहाँ पे हमें एक प्राइस जो है लेना होता है वो राइट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्राइस एंटर कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा दो चीज आया, एक तो बाय सिग्नल आया और एक सेल सिग्नल आया, है ना। बाय सिग्नल में हमारे टारगेट आ गए और सेल सिग्नल में टारगेट आ गया। देखिए अलग अलग चीजों पे, जैसे क्रूड में या समथिंग, अलग अलग चीजों पे जो है अलग अलग इसमें प्राइस हमें फिल करना होता है, जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट वो चीजें पता चलती हैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स। ठीक है, वो सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी, जो लोग जो है ज्वाइन है हमसे उनको पता है ये चीजें। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। 1151 और 10998, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। सबसे पहले 998 था, तो 998 को हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एक चीज कि हम इसमें 2-3 रुपए का बफर रखेंगे भाई, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2-3 रुपए का कम से कम हम बफर रखेंगे, बफर मतलब कि अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे भी कितना था, 1151 यही था ना, 1151, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे आपको डेट क्लियर दिख पाए। 10-11-51 ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे चीजें मार्क कर ली। ठीक है, वैसे कोशिश कीजिएगा जब टारगेट का होता है तो हमें नीचे ही लगाना होता है, ठीक है, 1-2 रुपए का। दूसरा जो है 1177 का, तो आप देखो 1177 जो है यहाँ पे देखिए 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का मतलब ये जो है 75 और ये है 277, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है, सेल पोजीशन ये मार्क कर ली, और यहाँ पे मैं और भी चीजें मार्क कर ले रहा हूँ। 98 हो गया, तो 972, 946 और 920। पहले तो आपको मैं ये दिखा दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा 920 को मैं मार्क कर रहा हूँ सबसे पहले, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए 920 के बाद से ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और प्रॉपर वे में 11,077, ठीक है ना। लेकिन हम तो 2-3 रुपए का 5 रुपए का बफर लेके चलेंगे, क्योंकि 11,000 का शेयर है, तो यू नो कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ गया हम यहाँ ले लेंगे। हमारा जो बाई सिग्नल है वो ये है, प्रॉपर हायर हाई, लेकिन आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा कैंडल, पिछली कैंडल ने इसको हाई कर दिया है कि हम यहाँ पे पोजिशन नहीं ले सकते। 11,066 केवल हम यहाँ पे
₹11 के लिए, ₹11 के लिए निफ्टी में अगर करेंगे, निफ्टी फ्यूचर से ₹11 के लिए कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपका प्रॉपर वे में देखिए फ्रेंड्स, तो प्रॉपर वे में लोअर लो फॉर्मेशन अगर यहाँ बने, ठीक है, 11,949 को, वैसे आपका पोजिशन बहुत पहले ही बन जाएगा, ठीक है, पोजिशन बहुत पहले, जब ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसको छोटा करके देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए कि एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है ये पर्टिकुलर जो लेवल है, तो होता है ना, तो आप अगर डेप्थ में जानते हैं तो वो चीजें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लेवल है वो सेल सिग्नल बहुत पहले ही दे देगा और अच्छा मोमेंटम आपको दे रखा है, राइट। तो एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से लेवल को आप देख लीजिए, बीच में बहुत सारी चीजें हैं, मैं दिखा देता हूँ जितने भी लेवल्स है, 972, 946 वो भी दिखा देता हूँ आपको, 972 यहाँ पे 946 का है, ठीक है, ये देख लीजिए अब वो हर एक चीज, सारी चीजें देखी गया वो एकदम सारी, लेकिन क्या है कि हमें इसके नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सिग्नल, हमें जो है पोजीशन बहुत पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये एक लेवल है, मैं आपको केवल मोटा मोटी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गेन का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप जो है काम करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट टाइम का देखा 30 तारीख का, अभी मैं थोड़ा पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल मैं एक एक जगह पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक हर एक एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हम बाई और सेल की पोजीशन को पता कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 तारीख की डेट, माफ कीजिएगा 29 तारीख की डेट में, ठीक है, 29 तारीख की डेट में हमें क्या, कैसे, कहाँ पे बाई और सेल सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एक लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिला वो 11,036 का एक लेवल मिला, ठीक है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 11,036 को पुट किया हुआ है जो कि सेम ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सेम आ रहा है, तो यहाँ पे सेम आ रहा है मतलब प्राइस भी सेम ही आ रहा है, पिछले ऐसा ही आ रहा है इसमें, तो कोई नहीं, अब लेवल है, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आप देखिए हो क्या रहा है, अब तो यहाँ पे भी 11,051 और 11,998 के नीचे, तो 11,051 फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ये और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 11,051 को जब हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स ये मैं अपने पास से नहीं, यहीं से 11,051 है, तो मैंने यहाँ पे 11,051 को ₹2 बफर के साथ, 2-3 रुपए बफर से मार्क कर दिया है। फ्रेंड्स आप देखिए कि मार्केट क्या है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, आपने देखा यहाँ पे मार्केट, और दूसरा क्या है 11,998, ठीक है, माफ कीजिए 10,998 ना, ये 10,998 का एक लेवल है, और दूसरा जो एक टारगेट है हमारा वो है 10,972 का, यहाँ पे 10,972 को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब एक बात बताइए, मार्केट यहाँ से देखिए प्रॉपर वे में रिजेक्शन दिया, राइट, लोअर लो फॉर्मेशन, क्या ये ऊपर जाने से मना कर रहा है ऊपर, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी होता है, आप इसको टारगेट मान के भी काम करें, और यहाँ पे भी अगर आप करते हैं 11,035 पे, तो आपको आ गया 11,335 पॉइंट्स का यहाँ पे फायदा हुआ, राइट। लेकिन मार्केट देखिए यहाँ से सीधे आके यहाँ पे टच किया 10,972 को, थोड़ा सा नीचे बनाया, लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनाया, और क्या हुआ मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेवल बहुत स्ट्रांग है, राइट, लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, जबकि देखिए मैं पीछे कर रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, मैं पीछे कर रहा हूं आप देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऐसा थोड़ी कि मैंने इसको देख के मार्क किया, देख के तो मार्क किया नहीं, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मिल रहा है, राइट। तो चलिए हम पीछे भी देखते हैं, तो इसमें टारगेट तो आपको समझ आ गया होगा, टारगेट तो हम काम करेंगे इसके थ्रू, इससे ही टारगेट हम काम करेंगे। पोजीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो पोजीशन के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इन द सेंस, अगर रिजेक्शन करता है प्रॉपर वे में तो कैसे पता करें कि प्रॉपर वे मतलब एक जो रिजेक्शन हो रहा है वो नीचे ही मार्केट आएगा, ऊपर नहीं जाएगा फिलहाल के लिए, मतलब हमारा बेनिफिट देख के जाएगा अगर जाना भी हो तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप जो है, अगर आप बहुत दिनों से है मार्केट में, तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें पता होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स पीछे देख लेते हैं, पीछे का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे फिर हम
थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। वो सारे के सारे मार्केट एक तरफ मतलब डाउन साइड है, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे फ्रेंड्स इस वाले साइड वे मार्केट की बात कर रहा हूँ। साइड वे मार्केट में क्या होगा, राइट? साइड वे मार्केट में क्या होगा मैं उसकी बात करूं अगर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूंगा, तो देखिएगा मैं इस लेवल को ध्यान कोशिश करता हूँ चीजों को देखने की। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है प्राइस को देख लेता हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड्स मार्केट जब ओपन होता है तो आपको मिल जाते हैं प्राइस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन पहले से कम, जब चीजें ड्रॉ है मतलब लाइव मार्केट नहीं क्लोज मार्केट में बता रहे हैं। फ्रेंड्स जब आप लाइव मार्केट में भी करेंगे तो सेम सिमिलर सी जाएगा, कैंडल चलती रहेगी, आप पहले ही पता कर पाओगे, राइट? तो यहाँ पे 11,140 के लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 11,140 के लेवल को मार्क कर रहा हूँ। 11,156 और 11,103 जो कि सेल लेवल है, बाय लेवल है 11,156 का, और सेल लेवल है जो वो 11,103 का है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 11,156 के लेवल को। फ्रेंड्स ये लेवल हो जाएगा और 11,103 के लेवल को। बताइए फ्रेंड्स यहां से 27 से और ये रहा 28 का डेट, इन बीच में कहीं भी आपको कहां पे मिला पोजीशन बताइए? लोअर लो फॉर्मेशन हायर हाई फॉर्मेशन मिला ब्रेक करके? कहीं नहीं मिला, तो इट मींस कि हम इस बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर वे रिजेक्शन के बाद अगर आप चाहो, देखो अगर यहां पे चाहो तो एक लो लेवल जो है यहाँ पे क्रिएट है 11,143 पे, और यहाँ पे 11,104 यहाँ पे एक लेवल मिला। लेकिन क्या है कि इस तरह का काम हम करेंगे नहीं, चूंकि क्या होता है एक रेंज ऊपर से, ठीक है, मार्केट दिन भर इसी फील्ड में घूम रहा है तो हम समझ जाएंगे, वो तो दो चार पांच कैंडल बनने के बाद ही हम समझ जाते हैं कि मार्केट साइडवे है, ये क्या है, वो सारी चीजें यू नो कि इतने टाइम हो जाते हैं कि समझ जाते हैं लोग, है ना? तो यहाँ पे ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं कि, है ना? तो यहाँ पे आपने देखा कि हमको यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल नहीं मिला। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम अच्छा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि एक पोजीशन कहाँ पे मिलता है, राइट? तो 26 तारीख की डेट को जो है हम चेक करते हैं, 26 तारीख की डेट को क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो यहां पे हमने डाल दिए प्राइस। ठीक है, तो यहां पे एक प्राइस आ गया 10,946 के ऊपर और 10,894 के नीचे। तो यहां पे प्राइस को हम 10,894, फ्रेंड्स और यहाँ पे 10,894 के बाद से मैं आपको बताऊं तो 10,869, राइट? 869, 842, 816, 868। मैं एक एक लाइन अब ड्रॉ कर रहा हूँ आपको केवल दिखाने के लिए कैसे हम यहाँ पे पोजिशन लेंगे। 68, 869 क्या हुआ इसमें, 842, 842 और क्या था 816, है ना? तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से मार्केट ने एक यहाँ से उड़ गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कुछ चीजों को यहाँ पे अवॉइड करके चलते हैं लाइनों को, जिसमें हमारा बेनिफिट एक अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें अलग अलग चीजें, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अच्छा चलिए यहाँ पे सेल सिग्नल तो हो गया, बाय सिग्नल को एक बार ध्यान देते हैं 10,946 का, तो 10,946 का, ठीक है, ये हमारा एक बाई सिग्नल हो गया। ठीक है, इस बाई सिग्नल के अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बाई करेंगे और डेफिनेटली आपको कहाँ पे देखेगा, हाँ बाई सिग्नल आपको एक और जगह पे मिल रही है अगर आपको ध्यान रहे तो।
ठीक है, जब लाइन टच, जैसे एक एक कैंडल ऐसा बन रहा है जो कि दूसरे कैंडल को टच कर रहा है, मतलब खुद सोचिए कि 816 से 842 कैंडल कितने रुपए का ये यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे, लेकिन हमारा एक पोजिशन यहाँ पे मिलेगा, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल यहां से अगर 10914 से आपको 10944 तक जाए तो मोटा मोटी बहुत ज्यादा एक मोमेंटम तो आपको आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और आप इसमें एक आधो इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वीवीएफ हो गया, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे गेन कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कहाँ तक गया, तो हमारे उसमें जो सबसे हाई जो है वो है 11025 का, तो एक 11025 का हम यहाँ पे, इसके बाद का भी है लेकिन वो मैंने तीन टारगेट ही बस यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है बस, ठीक है, तो एक इसका हायर जो है इसका, ठीक है, उसके बाद से भी आप देखिए तो एक मोमेंटम दिया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। ये था आज का गेन लेवल के अकॉर्डिंग जो है निफ्टी फ्यूचर में कैसे हम वर्क करें, वो था आज का, तो कैसा लगा जरूर बताइए। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानने वाली हैं, वो एक वीडियो में या फिर यू कहें कि एक से जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो छोटी छोटी मैंने केवल आपको एक डेमो दिखाया है छोटा सा कि कैसे ये लेवल बराबर काम करता है। अगर आपको गैन कैलसिस रिगार्डिंग कोई भी चीज जो है क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, मैं मेल यहाँ पे बोल भी देता हूँ, tradingindia19@gmail.com, आप उसमें मेल कीजिए। फ्रेंड्स पहली चीज तो ये कि ये जो गेन जो कैलसी है जो कि लोग मेरे पास जो मेल कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है फिलहाल अभी के लिए, लेकिन इसके कॉस्ट जो है बहुत ही मिनिमम है, बहुत मिनिमम, इतना मिनिमम कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद,